और दोस्तों मैं हूँ देवराज पेंटर। आइए देखते हैं इस पेंटिंग को हमने किस तरह से बनाया है। पहले हम फ्लोरोसेंट कलर, ये देखिए इस टाइप का हम लोग फ्लोरोसेंट कलर का इस्तेमाल करते हैं। कलर डालने के बाद उसमें हम फिर भी कोल या तो गोंद के तरीके से मिलाकर उसको घोलते हैं, तो उसमें सारे कलर हो जाने के बाद हम लोग उसमें फिर भी कोल गोंद डालेंगे, या तो कोई भी गोंद इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो मेरे पास डीडीएल लगाते हैं हम लोग। फिर भी कोल का जो गीला वाला पेस्ट होता है उसको हम लोग डालते हैं। देखिए इसमें इस तरह से डाल रहे हैं। फिर सारे में गोंद डालने के बाद हम उसको आहिस्ते आहिस्ते से सबको एक एक करके घोलते हैं। मैं हाथों के सहारा घोलता हूँ, एक उंगली डाल देता हूँ उसमें और उसको घोलता हूँ। अच्छा से फेंट कर घोलते हैं पानी डालकर। फिर उसमें अदरक भी डाल देते हैं चमकलाने के लिए। फिर हम दीवार पर स्केच कर रहे हैं। देखिए दीवार पर एक सिंपल डिज़ाइन बना रहा हूँ। हाँ, डिज़ाइन बनाने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा साइज अच्छा से बनता है, उसलिए ड्राइंग कर लेते हैं शीश से। ड्राइंग करने के बाद फिर उसमें कलर लगाते हैं। तो हम माउथ स्प्रे से कलर कर रहे हैं। ये माउथ स्प्रे से कलर करने से हमें समय बचता है, जो ब्रश से करने पर बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग ये माउथ स्प्रे का उपयोग करते हैं। ये माउथ स्प्रे आप लोगों को एक सिंपल पाइप के द्वारा बनाया जाता है, या तो हमारे साइड में तो मिल जाता है। फिर हमने इसे देखिए कलर करना स्टार्ट किया है। आउटलाइनिंग दे रहे हैं सारे कलर में बनाए हुए स्प्रे के बाद। देखिए कितना अच्छा बेहतरीन दिख रहा है। सिंपल ड्राइंग बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरह से करते करते हम लोग पूरा कार्य करते हैं। देखिए बहुत सुहाना अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है देखने से, और चमकीला भी लगता है स्प्रे से करने से। अब हम इसमें नाम लिख दे रहे हैं। देखिए धीरे धीरे नाम लिख रहे हैं। देखिए आराम से हल्के हल्के हाथों से प हो गया। इसके बाद क लिख रहे हैं। देखिए तो क हो गया। तो दोस्तों ये पेंटिंग बहुत बेहतरीन लगा होगा आप लोगों को, तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए प्लीज़ करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिसको भी पेंटिंग के बारे में जानकारी चाहिए वो मेरे से कमेंट कीजिए, या तो मेरे नंबर पर है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। देखिए मेरा नंबर है इसमें जो वीडियो के में लिखा हुआ है, उस नंबर का प्रयोग करके आप अपने पूछ सकते हैं किस टाइप से बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको आप मुझे पूछ सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, कोई भी परेशानी हो तो, दिक्कत हो तो। और देखिए हमने लिखना स्टार्ट किया, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो यहाँ पर, तो थोड़ा सा छोटा हो गया। किसका का लिखना था, फिर एक सिंपल लिख रहा हूँ, इसलिए कोई उतना ज़्यादा गैपिंग का वो नहीं होता है, शादी वाला पेंटिंग है। देखिए इस टाइप से धीरे धीरे हमने लिखना स्टार्ट किया और लिख लिया है। देखिए पूरा हो गया। अब यहाँ पर बचा है संग, उसे भी आस्ते आस्ते से लिख देते हैं। संग हो गया। अब हम ये तो कंप्लीट हो गया मान के चलो, उसमें थोड़ा डिज़ाइनिंग दे दिया हूँ लास्ट में, पता चल जाएगा। उसके बाद हम अब ये नीचे हम लिख रहे हैं स्वागत के लिए। देखिए धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों में लहरे परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है लिखे हैं इसमें। देखिए धीरे धीरे से लिखते हैं तब राइटिंग अच्छा बनता है। ये शादी वाला है तो थोड़ा फास्ट चलता है, तभी आगे लिखाई ठीक से होता है। तो ये हो गया ख़त्म यहाँ पर, और आगे देखते हैं। हम यहाँ पर मंगल पेड़ बचा हुआ है हमारा, मंगल पेड़ भी लिख देते हैं। सबको अलग अलग जगह पर लिखते तो बहुत जगह लेता है, इसलिए हम लोग सबको एक में साट कर लिख दिया हूँ, एक ही में बना दिए हैं। देखिए मंगल पेड़ लिख रहे हैं। अभी का ये पेंटिंग है आज ही का, जो मैंने लॉकडाउन मतलब इस में लिखा हूँ। देखिए 24/11 हो गया।
2020 जो मैं यह पेंटिंग कार्य शुक्ला भाटा और बलीगढ़ बलौदा बाजार जिला का पेंटिंग है। देखिए नॉर्मल गेट बना दिया हूँ और फिर यहाँ पर भी वो लगाया, तो चलो वहाँ पर भी नॉर्मल गेट उसी गेट को बना देता हूँ करके बना दिया मैंने। देखिए बहुत ही सिंपल है पेंटिंग करना। देखिए फिर मैं अपना एड लिख रहा हूँ यहाँ पर देवराज पेंटर, और अपना नंबर भी दे रहा हूँ कहीं भी पेंटिंग के लिए ज़रूरत पड़े तो। ये हो गया कंप्लीट, देखिए पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप से बना, उसके लिए आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।